Good morning, everyone. Today, I'm Nupur and I'm Bhargavi from Class 6C. We are celebrating Hindi Day. Good morning, everyone. Today, I, Anshika, is here to take the interview of our favorite Hindi teacher, Miss Iqbal. So, तो अभी हम कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं इकबाल मिस से. मिस, पहले पहले के ज़माने की हिंदी और अभी के ज़माने की हिंदी में क्या परिवर्तन है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बेटा, धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ. जैसे कि आपने पूछा कि पहले और अभी के हिंदी में क्या अंतर आया, तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले हिंदी जो हुआ करती थी, लिखना उसको कंप्यूटर में बहुत मुश्किल होता था और हम जब उसको टाइप करते थे तो इंग्लिश के शब्दों में टाइप किया करते थे और उसका रूपांतर हिंदी होकर आता था. और इसके लिए मैं और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे कंप्यूटर सर आनंद सर को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से टाइप करना सिखाया और किस प्रकार से हिंदी का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है उसके बारे में सिखाया. तभी तो पता है बेटा कि कोरोना के काल में हमें ऑनलाइन में जो कंप्यूटर से लेना पड़ रहा था क्लासेस, उसमें बहुत आसानी हुई. और इसके अलावा आज तो गूगल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गया है. हम गूगल में बोलकर जो है हिंदी को लिख लेते हैं और टाइप आ जाता है. यानी इतनी सारी सुविधाएं जो हैं अभी आ गई है जो पहले के समय में नहीं थी. वाह, ये बहुत अच्छी बात बताई हमें मिस ने. तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हर काम में हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो मिस आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं हिंदी के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम आज के मोबाइल में हिंदी का काम कैसे करते हैं. आपको पता ही होगा मोबाइल में एक गूगल आता है, गूगल देखा है, तो वो गूगल में एक तो टाइप करके भी हमें हिंदी मिल जाती है और सबसे अच्छी बात है कि हम माइक के द्वारा बोलकर भी हिंदी का उसमें लिखने के लिए जो सुविधा है वो पूरी अच्छी तरह से आ जाती है और हम इसका उपयोग बहुत आसानी से कर लेते हैं. शुक्रिया. तो मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे सेंटर में के लिए दिया. तो मेरे और हम सभी की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करती हूँ. धन्यवाद एक बार फिर से.